अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर, उससे पहले सुर्खियां। आज पूरा दिन रिमझिम बरसात, मुस्तकिल बारिश से इत्मीनान। बेंगलोर में हो रहा विपक्ष का इत्तेहाद तो भाजपा की बड़ी परेशानी। मुडलगी कत्ल के पीछे नाजायज ताल्लुकात, पत्नी और आशिक हुए गिरफ्तार। मंदिरों में अब मोबाइल पर पाबंदी। स्पीड ब्रेकर बना मौत की वजह, कॉलेज तलबा की मौत। बेलगाम कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी हॉल का इफ्तिताही इजलास। खानापुर के तमाम वाटरफॉल जाने पर पाबंदी, फॉरेस्ट महकमा ने लिया फैसला। रामसेना के मुतालिक ने फिर उगला जहर, कहा जैन मुनि कत्ल तालिबानी सोचो फिक्र की तरह। अब खबरें तफसील से। जिस दमदार बारिश का इंतजार तमाम बेलगाम के शहरियों को था, आज इंतजार मुकम्मल हुआ। आज सुबह से ही बारिश की रिमझिम जारी थी, दरमियान में जोरदार झड़ियां भी लगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल को ठंडक पहुंचाने वाली बारिश जरूर कह सकते हैं। वाज़ह रहे, बारिश के लिए मुख्तलिफ समाज जमातों की जानिब से दुआओं का एहतमाम किया गया था। बेलगाम ईदगाह में भी नमाजें अदा की गई थी। आखिरकार आज की बारिश ने कष्टकारों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली। बेलगाम जिला मुकम्मल सूखे की जद में आ चुका था। लोगों को पानी तक खरीद कर पीने की नौबत आई थी। बेलगाम का बारिश वैसे भी काफी मशहूर, लिहाजा बारिश कभी देर से सरजमीन बेलगाम पर नहीं बरसी। पर इस बार सभी इस बात से परेशान थे कि आखिर बारिश कब बरसेगी। आज मुस्तकिल बारिश से कई निचली जगहों पर भी पानी भरना शुरू हुआ है। एक तरह इत्मीनान तो दूसरी तरफ कई जगह पर कीचड़ देखने को मिल रहा था। स्मार्ट सिटी फिर से बेनकाब हुई, आज भी कई जगह पर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। LNT गड्ढे खोदने का काम तो तेज करती है, लेकिन उसे सही से बंद करना भूल जाती है, जिससे गाड़ियां फंसने की वारदातें भी पेश आ रही है। अभी तेज हवाएं बारिश शुरू भी नहीं हुई, लेकिन बिजली के खंभे गिरना भी शुरू हुआ है। सराब गली शाहपुर में नया बिजली का खंभा सड़क के दरमियान में ही गिर गया। राकस को पानी जखीरे में भले धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन मियार बढ़ने की तरह हासिल हो रही है। हफ्ता 15 दिन में पानी सप्लाई की जगह फिर से जल्द हमेशा की तरह पानी सप्लाई की उम्मीदें मुस्तकिल बारिश से की जा सकती है, इतना जरूर। बेलगाम जिले में कत्ल की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, और खास तौर से नाजायज ताल्लुकात के चलते कत्ल भी होते दिखाई दे रहे हैं। ऐश परस्ती, मादा परस्ती, बिना मेहनत आसानी से कामयाबी, औरतों में बढ़ती है आजाद ख्याली, इसका असर कहीं तो समाज पर, इंसानी जिंदगियों पर होता दिखाई दे रहा है। मुडलगी में कत्ल की वारदात पेश आई तो कुछ ही देर में पुलिस ने इसे नाजायज ताल्लुकात के चलते कत्ल होने की तफ्तीश की और मुजरिमों को जेरबंद किया। इत्तला के मुताबिक मुडलगी तालुका के वडेरहट्टी गांव में ये वारदात पेश आई। प्रियंका और शंकर की 6 महीने पहले शादी हुई थी, पर प्रियंका का पहले से ही किसी और से इश्क था और नाजायज ताल्लुकात थे। अपने शोहर शंकर का कत्ल करने के लिए मंसूबा भी प्रियंका ने ही बनाया, और इसी के तहत सुबह मंदिर जाने पर शोहर को आमादा किया। घर वालों के दबाव में ही रिश्ते में ही शादी को अंजाम दिया गया था। लिहाजा आशिक श्रीधर तलवार और शंकर की बीवी प्रियंका जगमट्टी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नाजायज ताल्लुकात के चलते बढ़ती कत्ल की वारदातें भी समाज मसला बनता जा रहा है। ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಗಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬನಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಿ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಂಕರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಾರು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अब मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. किसी तरह के रील्स और वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की गई है. मंदिरों में गाने वीडियो तस्वीरों को निकालने पर भी रोक लगा दी गई है. समाज के खासकर हिंदू तबके ने इस फैसले का इस्तकबाल किया हुआ है. वाजह रहे दीगर मजाहिब के इबादत गाहों में भी पहले से ही पाबंदी लगा दी गई है. खासकर अगर मस्जिदों की बात की जाए तो मस्जिदों में पहले से ही पाबंदी खुद आवाम की जानिब से ही आयद की गई है. लिहाजा मंदिरों में मोबाइल पर पाबंदी का फैसला लिया गया. स्पीड ब्रेकर से गिरने की वजह से कॉलेज तुलबा की मौत हो गई. हादसा अंगड़ी कॉलेज सांगाव रोड पर पेश आया. गैर तकनीकी तरीके से स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं जिसका खामियाजा किसी की जान से चुकाना पड़ता है. लिहाजा ऋषिकेश कुलकर्णी नामी कॉलेज तुलबा की मौत स्पीड ब्रेकर से गिरने से हुई है. ऋषिकेश तिलकवाड़ी का रहने वाला था. बेलगाम शहर में कई जगहों पर गैर तकनीकी स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हादसे पेश आते हैं. क्या इस पर ट्रैफिक महकमा तवज्जो देगा, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है. हाल ही में बेलगाम कॉरपोरेशन की चार स्टैंडिंग कमेटियों को अमल में लाया गया. कॉरपोरेशन की नई इमारत में इन चारों कमेटियों के लिए अलग से हॉल बनाए गए जिसका इफ्तिताही इजलास आज अमल में आया. इस वक्त उर्दू कॉरपोरेटर शकीला मुल्ला और जरना फतेह खान भी मौजूद थी. कॉरपोरेशन के नए हॉल के इफ्तिताह मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल के हाथों अमल में आए. इस वक्त चारों स्टैंडिंग कमेटी के सदर मौजूद रहे. बेलगाम के दामन में बसा खानापुर जहां कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखने का मजा ही कुछ और रहता है और कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और पहाड़ी झरनों का लुत्फ उठाने के लिए काफ़ी दूर दराज से भी यहां लोग आते जाते रहते हैं. पर अब नौजवानों का शोर शराबा, फैश कामों का बढ़ता दायरा और हादसों के चलते फॉरेस्ट महकमा ने तमाम जगहों पर आवाम को जाने पर पाबंदी लगा दी है. गलत कामों के साथ यहाँ गुंडागर्दी में भी इजाफा होने की बात कही जा रही है जिससे आम इंसान के लिए मुश्किल होने की कई शिकायतें दर्ज की गई है जिसके मद्देनजर यहाँ आवाम को जाने से पाबंदी लगा दी गई है. कुछ हादसे भी पेश आए जिससे फैसला लेना पड़ा ऐसा भी बताया जा रहा है. अपने जहर आलूद बयानात के लिए मशहूर रामसेना मुखिया प्रमोद मुतालिक ने आज बेलगाम में एक बार फिर जैन मुनि कत्ल तालिबानी सोचो फिक्र की नहज पर कहते हुए इसके और भी तफ्तीश की जरूरत है ऐसा कहा. लेकिन आवाम की जानिब से सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब कत्ल ही नारायण माड़ी ने अंजाम दिया है तो फिर तालिबानी हरकत कैसे कहा जा रहा है. हसन ढालाया तो नारायण माड़ी के साथ था लिहाजा इसी को वजह बनाकर तालिबानी सोच कहना गलत. और आगे मुतालिक ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को जल्द लागू करना चाहिए. आखिर 9 साल की देरी भाजपा को क्यों लगी ऐसा भी सवाल मुतालिक ने किया. मंदिरों में मोबाइल की पाबंदी का कांग्रेस हुकूमत का फैसला सही है ऐसा भी उसने कहा. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. ना वो इतीचे 5ने तारीख जुलाई 5ने तारीख को चिकोड़ी हिरेकोड़ी जैन मुनिया हत्या की अत्यंत क्रौर्य अमानुषवाय तालिबान मादरी अदन्ना तुंड तुंड माड़िदारे. ಈ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಹೇಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರುವಂತಹವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸಾವಾದಿ ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಿಗಂಬರ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹತ್ಯೆ
ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಒಬ್ಬರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನನಗ್ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಬಿಐ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ.